आज कुरवई में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर जनपद पंचायत सीईओ सुश्री चेतना पाटिल के खिलाफ अनुविभागीय अधिकारी आरती यादव को ज्ञापन सौंपा है। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद ने आरोप लगाया है कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा विगत 26 फरवरी को बरखेड़ा पंचायत की गौशाला का निरीक्षण किया गया तो पाया कि भूख और प्यास की वजह से 2 गोवंश मृत पाए गए हैं। पंचायत द्वारा गौशाला में खाने के लिए भूसे और पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई है, जिसकी शिकायत हमने जनपद पंचायत सीईओ के ज्ञापन के माध्यम से की तो जनपद पंचायत सीईओ ने ज्ञापन पर रिसीव देने से इनकार कर दिया और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता की और जेल भेजने की धमकी भी दी है। इसी संबंध में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। विजिशा से आशीष सेले की रिपोर्ट। आपको भी ये सोचना चाहिए कि गौ माता भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मर रही है, इसकी शराब बहुत बुरी होती है, ये ध्यान रखें मैडम। 26 तारीख को ग्राम माडल में गौशाला का निरीक्षण किया तो वहाँ गाय मृत पाई गई। उस संबंध में सीओ मैडम को ज्ञापन दिया था तो उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता की। उस अभद्रता के लिए आज ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में मांग की है कि सीओ मैडम का स्थानांतरण हो। इसके अलावा और कोई मांग पर हम लोगों का विचार नहीं है। मांग अगर नहीं होती है तो आगामी 7 दिनों के बाद बजरंग दल पूरे विदिशा जिले मध्य भारत प्रांत में उग्र आंदोलन करेगा। शुक्रवार को बरखेड़ा गौशाला का बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने निरीक्षण किया, उस समय वहाँ पर जाकर देखा तो 2 गाय मृत पाई गई और पानी और भूसा की व्यवस्था नहीं थी। उस पे से हमने जनपद में सीओ मैडम को ज्ञापन दिया तो मैडम ने ज्ञापन लेने से मना कर दिया और रिसीव देने से मना कर दिया और बोली कि बजरंग दल कार्यकर्ता गौशाला में कैसे घुसे, इन पर पुलिस की कार्रवाई करी जाए, केस बनाया जाए। उस पे से उसके विरोध में कार्यकर्ताओं से गलत बात करी उनने, इस विरोध में आज हमने ज्ञापन दिया है। अगर 7 दिवस में उनको यहाँ से हटाया नहीं जाता है तो हम 7 दिवस बाद विदिशा जिले में कलेक्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।